गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे घर में एक बहुत ही बेसिक सी चीज बन रही है, तो जो बन रही है परांठे। और ये परांठे हम लोग खाने वाले हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी के साथ। तो सब्जी आपको टाइटल से तो वैसे पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाली है। जी हाँ, होने वाली है करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और परांठों के साथ खाओ तो वाजी वाह, लाजवाब इसका होता है स्वाद। तो अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है हमारा कि हम परांठे खाने को मिल रहे हैं बहुत ही गर्मा गर्म घी वाले। और यस, परांठे बन जाए, बन के तैयार हो जाए और हम बनाएंगे उसके बाद सब्जी। तो यहाँ पर कट रहे हैं हरी मिर्च और करौंदे, और इसे काटने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप हरी मिर्च को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और करौंदों को भी हाफ पीसेस में आप काट लीजिए। तो आपकी हरी मिर्च और करौंदे अच्छे से वॉश कर लीजिए और बस छोटे छोटे, मतलब करौंदे तो ऑलरेडी छोटे होते ही हैं, बट जैसे एक करौंदा है तो उसको दो पीसेस में काट लीजिएगा और मिर्ची के ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। सो भाई, अब मैंने आपको दिखा दिया था कि हमारी जो सब्जी थी वो कट के तैयार हो चुकी है, और ये रही हमारे कटे हुए करौंदे और हरी मिर्च, और ये रही हमारा कढ़ाई या पैन, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे तेल, सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा ही ऑयल पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसमें ऑयल डाल लिया है। अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे, गैस तेज कर देना। तो जब भी हम तेल डालते हैं उसे पहले अच्छे से गर्म होने देते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रह जाए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप तेल पहले डालो उसे थोड़ा गर्म होने दो और फिर ठंडा थोड़ा होने दो, क्योंकि वो अच्छे से पक चुका होता है और फिर आप अपनी सब्जी बनाना। तो इसे थोड़ा पकने देते हैं और फिर हम इसमें मसाले एंड सब्जी वगैरह ऐड ऑन करेंगे। तेल में जब ऐसे धुआं निकलने लग जाए तो आपको पता चल जाता है कि तेल गर्म हो गया है, और हमने इसीलिए कि गर्म हो गया इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आपको ऐसे पता लग सकता है कि हाँ, हमारा तेल गर्म हो गया एंड पक गया है हमारा तेल। इसमें सबसे पहले पड़ रहा है जीरा, गैस ऑन हो चुके, पड़ रही है थोड़ी सी हींग। अब ऐड कर रहे हैं हम हल्दी और थोड़ी सी धनिया पाउडर, करीबन 1.5 से 2 चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब ऐड कर रहे हैं देंगी मिर्च। ये देंगी मिर्च जो यूज होती है वो कलर के लिए होती है, और जो लाल मिर्च होती है जो थोड़ी सी दरदरी सी होती है वो मिर्ची वाली होती है। हमने इसमें लाल मिर्च ऐड इसलिए नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी करौंदों में चटपटे होते हैं, बहुत मिर्च होती है इसलिए, और बहुत मज़ेदार होते हैं। अब बस इसमें करौंदे ऐड कर देंगे, अगर किसी ने यहाँ पे करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी नहीं खाई तो पराठों के साथ करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी इतनी ही लाजवाब लगती है कि एक बार तो खाने चाहिए। मेरे तो मुंह में ही बोलते हुए पानी आ जा रहा है। इसको ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा सा, वैसे इसमें कम ही रखना क्योंकि तो इसका फ्लेवर उसी के हिसाब से बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा चाहो तो पराठे जब बना रहे हो या जो भी बना रहे हो उसमें हल्का सा आप नमक डाल लो, बट इसमें सॉल्ट जो है वो कम ही रखना। भाई इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिर्ची जैसे हमने इसमें थोड़ी सी हमने ज्यादा डाली है, आप चाहो तो अपनी मिर्ची अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हो, सो इट्स एज पर योर चॉइस, आप चाहो तो कम कर सकते हो उसे। अब हमने इसे ढक दिया है और अब हम इसे पकने देंगे। तो पकिंग का ये अराउंड 10 से 15 मिनट, और उसके बाद दिखाते हैं आपको फाइनल सब्जी का लुक। तो जी, सब्जी बनके हो गई है तैयार, एकदम रेडी, और अब हम दिखा देते हैं कि हम कैसे अपना खाना सर्व करने वाले हैं। तो चलो सर्व कर रही है मम्मा प्लेट में।
खा लो, बहुत ज्यादा मजेदार सा लग रहा है मम्मी। अच्छा देखिए हरी हरी मिर्चें, इसका फ्लेवर जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे सब्जी की तरह खा सकते हो। तो दाल बनाओ, साथ में कोई सब्जी बना लो, कुछ अच्छी सी अचार की तरह खाओ। मतलब इसे ये नहीं कि एकदम भर भर के खाओ, हाँ जलन बन जाएगी। सही बात है, अगर हम इसे ज्यादा खा लेंगे तो पेट में जलन भी बन सकती है, क्योंकि मिर्ची होती है, पर बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मेरे को तो मुंह में बोलते हुए भी बार बार पानी आ जा रहा है देख के। तो अब आप सोच रहे होगे कि हम कैसे खाने वाले, तो हम पराठों के साथ खाएंगे। साथ में हमने इसके साथ हमने काट लिया है आम, तो आम है हमारे पास साथ में, और इसमें है हमारे पराठे, सब्जी और सांबर, और है सांबर। तो जी ये है खाना। तो चलो भाई हो गया खाना रेडी, अब खाते हैं, निकालते हैं थाली और चलते हैं खाते हैं। चलो